आज का GT5 का ये वीडियो फोर्ड एंडेवर के बारे में होने वाला है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं मैं भी खड़ा हूँ प्रीमियम मोटर स्पोर्ट डीलरशिप के सामने, और यहीं से हम अपनी फोर्ड एंडेवर को लेके जाएंगे। हमने इसे इंडिया से इंपोर्ट करवाया हुआ है, तो ये देखो हमने इसे ग्रे कलर में इंपोर्ट कराया है, और उसके आजू बाजू में दो गाड़ी खड़े हुए हैं, तो हम इसे बीच वाले से उठा के निकलते हैं सीधा। और ये गाड़ी का हमने अलॉय व्हील ब्लैक कलर में लिया हुआ है, और सनरूफ भी देख सकते हो ऊपर, पैनोरामिक सनरूफ दे रखा है, और इंटीरियर में क्रोम इंसर्ट्स बहुत सारे यूज़ किए गए हैं। तो गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं, फिर रोड में चलाएंगे और देखेंगे गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, और इसे हम फिर एयरपोर्ट में भी चला के देखेंगे। तो ये देख लो भाई, गाड़ी एकदम ग्रे टाइप के कलर में ही है, और एकदम ब्लैक अलॉय व्हील है, और गाड़ी का हमने विंडोज़ भी ब्लैक करवा रखा है। ये गाड़ी फुल्ली मॉडिफाइड है, और अभी हम इसे निकालते हैं रोड में चला के देखते हैं कैसा चल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद इसे एयरपोर्ट लेके जाएंगे, वहाँ पे इसके स्पीड टेस्ट करेंगे, और रोड में भी हम इसका थोड़ा सा स्पीड टेस्ट कर लेंगे, पर रोड में ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसको हैंडलिंग टेस्ट करना चाहिए। इसका हैंडलिंग टेस्ट करके देखते हैं पहले रोड में कि गाड़ी कंट्रोल कैसे हो रहा है, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, तो चेक करते हैं। तो ये देखो भाई, गाड़ी बड़ा होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रहा है, आराम से मुड़ जा रहा है गाड़ी। और गाड़ी का स्पीड भी अच्छा है, पर रोड में तो गाड़ी का स्पीड पता नहीं चल पाएगा, एयरपोर्ट में स्पीड टेस्ट करना पड़ेगा। अभी बस ऐसे ही नॉर्मली स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, और गाड़ी चलाने में तो बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। इसका हम लोग ऑफ रोडिंग वीडियो भी बनाएंगे, और ये देखो भाई ठोक दिया आगे सीधा, वापस रिपेयर करवाना पड़ेगा। देखो भाई फिर ठोक दिए ये लोग, तो नया नया गाड़ी लिए थे ठोक दिया भाई पूरा, वापस से रिपेयर करवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम इसे अभी चला के देखते हैं थोड़ा सा, फिर सीधे इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे, क्योंकि रोड में गाड़ी चलाने का कोई मज़ा ही नहीं आएगा। और ये देखो हम इसे बहुत देर से चला तो रहे हैं, तो ये गाड़ी इतना ज़्यादा बड़ा है ना, और ये फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो इसमें पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसे चलते हैं अभी थोड़े से आगे, और फिर इसे जाएंगे एयरपोर्ट तुरंत। और गाड़ी का हैंडलिंग तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले मैं सोचा था बड़ा गाड़ी तो कंट्रोल करने में दिक्कत होगा, पर हैंडलिंग बहुत सही है, और एकदम आराम से गाड़ी टर्न हो जा रहा है, बस हल्का हल्का जगह कभी का ठुक जा रहा है थोड़ा सा, वो वापस रिपेयर करवाना पड़ेगा गाड़ी को। कोई बात नहीं, सीधे अभी काम करते हैं, आगे जाके रुकते हैं रेड लाइट में, फिर सीधे हम एयरपोर्ट से निकलते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं भाई। और ये देखो भाई, हम आ गए हैं वापस से एयरपोर्ट में, और हमेशा की तरह ये लोग दरवाज़ा कभी खोलते नहीं है, तो तोड़ के जाना पड़ेगा, तो जल्दी तोड़ के अंदर घुसते हैं। और इसको देखो भाई, डलिया जैसे ही आए तो हम लोग, तो अभी चलते हैं अंदर। और गाड़ी का देखो भाई क्या टर्न ले रहा है गाड़ी, एकदम आराम से मतलब टर्न हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बहुत ही सही हैंडलिंग है इसका, स्पीड भी बहुत ही मस्त है। और मैं इसका ऑफ रोडिंग वीडियो के बारे में बता रहा था आपको, हम इसका एक ऑफ रोडिंग वीडियो भी बनाएंगे, तो सबसे पहले अभी चलते हैं रनवे में, और सीधा इसके स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। और गाड़ी एकदम मॉडिफाई हो रखा है, तो इसके डायरेक्ट अभी हम स्पीड टेस्ट करते हैं। सामने का लाइट भी आप देख सकते हो ब्लैक कलर का करवा रखा है हमने, ठीक है, तो थोड़ा सा बर्न आउट करते हैं पहले, और फिर सीधे गाड़ी को भगाएंगे हम। तो भाई बिना बूस्ट के तो गाड़ी भगाना थोड़ा सा मतलब धीरे ही हो जाता है, थोड़ा मज़ा नहीं आता है, ऐसे चला के देखते हैं एक बार। तो 148 तक तो गाड़ी का क्रॉस कर दिया है स्पीड, 155 हो गया भाई, 160 तक आ गया भाई गाड़ी आराम से, है ना। तो वहाँ पे जो स्पीडोमीटर था ना, वो एडिटिंग के टाइम में ही गलती से कट उड़ जाता है कभी कभार, तो स्पीडोमीटर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्पीड मतलब डाल दूंगा ऊपर स्क्रीन में स्पीड गाड़ी का।
तो एक काम करते हैं, अभी हम और एक स्पीड टेस्ट करते हैं सिनेमैटिक वीडियो के साथ, तो देखने में वीडियो अच्छा भी लगेगा। अगर आपको सिनेमैटिक वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम इसे वापस से गाड़ी को स्पीड टेस्ट, मतलब गाड़ी का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, पर अभी अगर हम इसको बूस्ट के साथ टेस्ट करेंगे तो पहले बर्न आउट करते हैं और देखो भाई क्या बूस्ट के साथ जा रहा है गाड़ी। तो अभी 300 क्रॉस कर चुका है भाई गाड़ी, 400, 500 भाई आराम से क्रॉस कर गया है। स्पीड देख लो भाई, मैं स्क्रीन में इसका स्पीड डाल दूंगा वापस से ही, मेरे ख्याल से 500 के ऊपर ही गया था गाड़ी तो बहुत ही जल्दी आ गया भाई। पिछली बार हम इसको बिना बूस्ट के चलाए थे तो थोड़ा सा टाइम लग गया था आने में, तो अभी बहुत ही जल्दी आ गया इधर। तो देखते हैं अभी सिनेमैटिक वीडियो में। भाई बेचारा गाड़ी से गलती से जम करके बाहर ही आ गया, कोई बात नहीं वापस बैठ जाते हैं गाड़ी में। और अभी हम गाड़ी का कैमरा एंगल चेंज करके देखते हैं, गाड़ी को हम अंदर से चलाएंगे, मतलब अंदर से आपको व्यू दिखेगा कैमरा का, वो भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा ही रहेगा मतलब। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं और वापस से बर्न आउट करेंगे, और शायद से मैं इसका टायर भी मेरे को चेंज करवाना पड़ेगा, टायर घिस जाता है ना ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा बर्न आउट करने से। तो ये देख लो भाई अंदर का वापस से, और इसका स्पीडोमीटर वगैरह भी एकदम देख लो। वापस से चलाते हैं गाड़ी को एकदम रोड में ही वापस से, और ये गाड़ी का कंट्रोल तो सही हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है गाड़ी कंट्रोल करने में भी। आप लोग को चाहिए तो आप इसको GTA में इंस्टॉल कर सकते हो। और ये देखो भाई एकदम कोई दिक्कत हो नहीं रहा है गाड़ी में। और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा इसका ऑफ रोडिंग वीडियो भी बनाने का, हम इसको माउंट जूलियट में लेके जाके ट्राई करेंगे, माउंट जूलियट में भी देखेंगे ये चढ़ पा रहा है या नहीं। ऐसा चढ़ तो जाएगा मेरे ख्याल से, पर फिर भी ट्राई कर देंगे। और ये देखो भाई एकदम आराम से टर्न हो जा रहा है गाड़ी, और अगर आप लोग के अगर स्टीयरिंग भी लोगे ना तो गाड़ी चलाने में मज़ा ही आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हम इसमें बूस्ट भी थोड़ा सा यूज़ करते हैं जैसे स्पीड बढ़ जाए इसका। और ये देखो भाई फिर से ठुक गया गाड़ी, कोई बात नहीं वो तो रिपेयर हो ही जाएगा। और ये देखो भाई वापस से गाड़ी में हम आपको ड्रोन व्यू दिखा रहे हैं, ऊपर से ड्रोन से आपको व्यू मिलेगा तो पता भी चलेगा गाड़ी कैसा दिख रहा है हर जगह से। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा गाड़ी है, अगर आप लोग को भी इंस्टॉल करना है तो जल्दी जल्दी गाड़ी को इंस्टॉल कर लो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वापस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।